और देखो एक दिन सुबह सुबह मैं माइनक्राफ्ट में ऐसे ही उड़ा उड़ कर रहा था, तभी मेरी नजर गई एक्सपी बार पे और लिटरली मेरे पास सिर्फ एक ही एक्सपी था। तो ये देख के मुझे काफी बुरा लगा और तभी मैंने सोच लिया था आज के दिन हमको कैसे भी करके 1000 एक्सपी पहुंचानी है हमारी। और देखो 1000 एक्सपी कलेक्ट करने के लिए अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट फार्म बनाने वाला हूँ, एक ही फार्म से नहीं कलेक्ट करने वाला हूँ। और हमारा पहला फार्म होने वाला है एफ के फिश फार्म। ये आपने सही सुना है, फिश फार्म। और देखो एक जना मैं तो क्या बोलो, मैं फिश फार्म का तगड़ा वाला फैन था जब मैं माइनक्राफ्ट का क्या बोलो यूट्यूब में नहीं डालता था, तभी जब मैं पहले ऐसे ही ऑफलाइन खेलता था तभी मैं दो दो तीन तीन घंटे तक फिशिंग करता था, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे मजा आता था उसमें। ओके, फिश फार्म के लिए हमको सबसे पहले आयरन का ट्रैप डोर चाहिए और अभी हमको चाहिए हॉपर, उसके लिए हमको चेस्ट बनानी पड़ेगी पहले। ओके, फाइनल चेस्ट रेडी है। अभी हमको चाहिए फेंस। ओके, ये रहे फेंस तो यहीं पे है। और उसके बाद हमको चाहिए प्रेशर प्लेट। ओके, देखो ये काफी सिंपल फार्म है फिर भी मुझे बनाना नहीं आता है यार, काफी टाइम से बनाए नहीं थे इसे भूल गया मैं, तुमको देखने दो पहले सबसे पहले। ओके, हमको नोट ब्लॉक भी चाहिए, मैं भूल गया। ओके, अभी फार्म यहीं पे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रखना नोट ब्लॉक, उसके बाद इस जगह पे रखनी फैन और ये ब्लॉक को माइन करना है। उसके बाद हमको यहाँ पे डालना पानी। ओके, और देखो फैंस के नीचे हमको क्या बोलते हैं होपर रखना था, होपर तो मैंने बना ही नहीं है। ओके, फाइनली रख दिया यहाँ पे होपर। और उसके बाद यहाँ पे प्लैंक रखना है, उसके बाद यहाँ पे ट्रैप डोर, और यहाँ पे मामला सारा खराब हो गया। ट्रैप डोर हमको इस वाले ब्लॉक पे रखना था। ओके, और फेंस को हमको यहाँ पे साइड से। ओके, हो गया फार्म रेडी। और अभी हमको मेन चीज बनानी है फिशिंग रोड। और देखो फिशिंग रोड में भी हमको काफी अच्छे इंचारमेंट चाहिए। ओके, अभी फिशिंग रोड बना का अभी दो तीन घंटे तक यहाँ पे एफके करते और देखते हमको कितनी एक्सपी मिलती है। तब तक आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। ओके, अभी देखो मैंने यहाँ पे 3 घंटे तक फिशिंग की और इससे हमको देखो ओनली 35 एक्सपी मिले हमको, और देखो 20 एक्सपी तो मेरे पास ऑलरेडी थे। और देखो ये जब मैंने फिशिंग रोड बने ना उसको इंचान करने के लिए मैंने एक्सपी कलेक्ट किए थे हमारे रेड फार्म से। और देखो ऐसे देखा तो हमको इस फार्म से सिर्फ 15 एक्सपी मिले है 3 घंटे में। ओके नाइस, मेरी लाइफ के 3 घंटे मैंने इसमें बर्बाद किए इस फार्म में। और अभी देखो हमको ये फिशिंग फार्म के साथ अभी सिर्फ एक ही चीज करने का अभी मुझे दिल कर रहा है। ओके नाइस। ओके देखो ये काम करने का हमारा दिल कर रहा था फिश फार्म पे, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि ये फिश फार्म मैंने अपनी बेस पे बनाया और ये बाय द वे डुप्लीकेट वर्ल्ड है, ओरिजिनल वर्ल्ड नहीं है। प्रैंक हो गया आपके साथ, इसलिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। पागल तो नहीं हुआ, अपने वर्ल्ड में TNT ब्लास्ट करूंगा मैं। ओके भाई चलते अभी अपने वर्ल्ड में। ओके फाइनली हम आ चुके हैं हमारे वर्ल्ड में। और देखो इस फार्म को तो हम ऐसे तो नहीं हटा सकते TNT से, वरना हमारा ही नुकसान होगा, इसलिए हम प्यास हटाएंगे लेकिन बाद में, अभी नहीं। अभी नेक्स्ट अभी हम चलते अभी एंडरमैन फार्म पे जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, और वहां पे जाकर भी करते हैं एफके थोड़ी देर। और देखो मैं जैसे ही यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे एफके करना स्टार्ट किया और हमारे साथ देखो कुछ इस तरह से हुआ यहाँ पे। और देखो हमारा पूरा आर्मस्टर नीचे चला गया क्योंकि देखो अभी मेरे शॉट में नॉकबैक 2 लगा हुआ है इसीलिए, और अभी मुझे ओवरऑल में जाके एक नई शॉट बनानी पड़ेगी और उसके लिए एक्सपी अभी मैं रेड फार्म से कलेक्ट करने वाला हूँ और एक नया आर्मर स्टैंड लाना पड़ेगा, उसके बाद वापस हमें एफके करना स्टार्ट करते हैं। अब टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। ओके फाइनली अभी देखो 1.5 आवर तक मैंने एफके किया और देखो उससे हमको 81 एक्सपी मिली है और आधे लोग तो यहीं से गिर जा रहे हैं। ओ भाई साहब तेरी ऐसी की तैसी। और भाई तो देखो ये नई शॉट में देखो ये एंचेंटमेंट लगाए हुए है मैंने, और देखो ये नई शॉट क्या बोलते आगे में एक तगड़ा सा गोल्ड फार्म बनाने वाला उसमें काम आएगी ये। और इसे देखो इसको मैं अभी मैं एंडर चेस्ट में रखने वाला, और एक देखो एक हमारा एक्स्ट्रा शॉट जिसमें नॉकबैक 1 है वो भी कभी काम तो आ ही जाएगी। ओके ओ भाई साहब ये तीसरी बार यहाँ से गिरा है ये, अभी मेरे पास सारा मटेरियल भी खत्म हो चुका, अभी वापस से मुझे जाना पड़ेगा लेने के लिए, और इसी बहाने खाना भी लेके आऊँगा क्योंकि देखो खाना भी खत्म हो चुका है। ओके अभी मैं खाना और वापस आर्मर स्टैंड बना तो उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूँ। ओके मैं कहाँ जा रहा हूँ, ओके रहा डर गया 2 मिनट के लिए मैं तो। अभी आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए भाई साहब। We'll be right back.
ओके फाइनली अभी हमारा लेवल देखो 166 लेवल है और ऑलमोस्ट मैंने देखो 5 या 6 घंटे तक मैंने यहाँ पे एफके किया था इतने ओ भाई साहब इतने लेवल हो पाए हैं। अभी चलते हैं बेस पे और देखो मैंने यहाँ पे आर्मर स्टैंड लगा ही दिए हैं। फ्यूचर में ऐसे गिर गए तो हम यहीं से ले लेंगे। इस शॉट को यहाँ पे रखते हैं और इस वाली शॉट को भी यहाँ पे रखते हैं। ओके अभी नेक्स्ट अभी फार्म बिल्ड करते हैं एक ब्लेज फार्म। उससे मैंने सुना ब्लेस फार्म से भी काफी ज्यादा एक्सपी मिलती है, उस फार्म से भी ट्राई करेंगे। ऑलमोस्ट 200 जितनी एक्सपी तो उसी फार्म से हम कर लेंगे कंप्लीट। उसके बाद लास्ट वाला हम फार्म बनाएंगे अल्टीमेट वाला, से हमारी 1000 एक्सपी कंप्लीट होगी। और देखो ब्लेस फार्म से जो ब्लेज रोड मिलेगी ना वो हमारे फ्यूल में काम आएंगी, क्योंकि देखो काफी अच्छा फ्यूल होता है और एक साथ काफी ज्यादा आइटम को स्मेल्ट कर सकती है साइड से ब्लेस रोड। देखो अभी मैं यहाँ पे फ्यूल के लिए लावा यूज कर रहा हूँ, ब्लेस फार्म होगी तो काफी अच्छा होगा। कभी सारे ब्लेस फार्म के सारे मटेरियल कलेक्ट करता हूं, उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूं। और देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड बनाया था और उसमें देखो अभी मैंने मछलियां डाली यहाँ पे, मुझे लगा यहाँ पे ही दिखेगी मछलियां सारी, लेकिन अभी देखो जैसे डाल के मैंने देखने लगा तो ये हालत हो गई मछलियों की, सारी अपने आप मर गई साली। और उससे अच्छा तो क्या बोलते नदी में ही ठीक थी। ओके अभी देखो मैंने यहाँ पे सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया है और देखो ग्लास को स्मेल्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक फर्नेस बनाया था, लेकिन सिर्फ यह नाम का ही ऑटोमेटिक है, मुझे ही चलाना पड़ता है। सिर्फ आगे के 3-4 फर्नेस चलते हैं ऑटोमेटिक, इसलिए अभी देखो इस फार्म को हमको ऊपर भी था, अभी मैं यहीं से लेने वाला हूँ ऊपर। ओके अभी चलते सबसे पहले नेदर में। ओके हमको सबसे पहले इस वाले पोर्टल से बाहर जाना होगा। ओके देखो अभी यहाँ पे मैंने पहले एपिसोड में एक पोर्टल बनाया था जो डायरेक्ट नेदर फोर्ट्रेस में खुलता है, अभी वो सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा। ओके अभी देखो यहीं पे कहीं पे था वो पोर्टल। ओके फाइनल मिल चुका है पोर्टल, अभी चलते हैं यहाँ पे और ये डायरेक्ट पोर्टल खुलेगा हमारे क्या बोलते हैं फोर्ट्रेस में। ओके अभी यहाँ पे सबसे पहले अच्छा सा स्पॉनर ढूंढ के अभी ब्लेस फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। ओके फाइनली हमारा ब्लेस फार्म रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। देखो इस ब्लेस फार्म की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है अभी। और देखो ये पूरा फार्म मैंने कंप्लीट किया तब तक सभी ने मेरे पर अटैक किया। और देखो इसने हमला किया था ना यहाँ पे पूरे पे आग लग चुकी थी, आपने टाइम लैप्स में देखा होगा। और उस आग में मेरी देखो शील्ड का सॉरी पिकेट गिर गई और एक बो गिर गया दोनों। अभी ये मैं दोनों इसी से वसूल करने वाला हूँ, इसको मार मार के एक्सपी कलेक्ट करके इंचांट करने वाला हूँ बाद में। और देखो ये अभी मुझे देखो यहाँ पे क्या बोलो फायर रेजिस्टेंस की पोशन भी बनानी पड़ी थी, क्योंकि देखो अभी मैंने यहाँ पे स्पॉनर पे टॉर्च लगाई थी उसके बाद भी स्पॉन हो रहे थे, इसलिए अभी मुझे क्या बोलते हैं फायर रेजिस्टेंस पोशन लानी पड़ी। ओके हमको देखो यहाँ पे ग्लास लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर खड़े रह जा रहे, इसलिए तो अभी मैं बाद में लगा दूंगा। और देखो बाहर से कुछ फार्म हमारे इस तरह से दिख रहा है। ओके अभी यहाँ पे मैं काफी टाइम एफ के करता हूँ, उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूँ, तब तक आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। ओके फाइनल हमारे 200 लेवल्स यहाँ पे हो चुके हैं और यहाँ पे देखो हमको इतनी ज्यादा ब्लेस मिली है, सभी चेस्ट फुल हो चुके हैं। और देखो ये दोनों चेस्ट अभी आधे आधे हैं। और देखो मैंने यहाँ पे कार्मा स्टैंड भी रखा था, और क्यों रखा था आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो इसको मारने के लिए मैंने यहाँ पे ऑटो क्लिकर ऐसे रखा था और ऑटो क्लिकर ऐसे तो मूव नहीं हो पाता और तो सिर्फ एक ही जगह पे मारता रहता है, इसलिए देखो यहाँ पे जो ब्लेस आती थी वो नहीं मार पाती थी, इसलिए देखो अभी मैंने यहाँ पे आर्मर स्टैंड रखा था, क्योंकि आर्मर स्टैंड में मारेंगे तो हम पूरे सभी में ये हिट लगेगी वो क्या बोलते स्वीपिंग एज 3 से। ओके अभी यहाँ से अभी शॉर्ट चेंज कर लेते हैं और अभी चलते हैं बेस पे, और अभी हमारे शील्ड टच की पिकेक्स भी नहीं है। ओके देखो अभी एक शील्ड टच वाली एक से उसे ट्राई करते हैं तोड़ने की, आई होप कि अभी टूट जाए। ओके देखो टूटा तो फिर भी मेरे पास नहीं आया और यहाँ से 2 मिनट से मैं तोड़ रहा था इसको। ओके अभी चलते सबसे पहले बेस पे और ये रहा हमारा पोर्टल। और अभी देखो ये छोटे मोटे फार्म से अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी हमारा ब्रह्मास्त्र वाला फार्म बनाना ही पड़ेगा अभी। और आपको शायद से पता चल गया होगा कि मैं कौन से फार्म की बात कर रहा हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ एक गोल्ड फार्म की, तो क्या बोलते हो राउंड शेप में होता है ना वो वाला मैं बिल्ड करने वाला हूँ। ओके अभी उसके लिए सबसे पहले सारा मटेरियल कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूँ। ओके फाइनल गोल्ड फार्म की सारी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है और अभी चलते हैं नेदर में।
ओके अभी देखो यहीं पे कहीं पे हम गोल्ड फार्म बना देंगे क्योंकि आसपास में नेदर वेस्ट बायो में। ओके अभी आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। ओके फाइनली हमारा गोल्ड फार्म यहाँ पे रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। देखो अभी हमारे काफी एक्सपी कम हो चुकी है क्योंकि देखो अभी सबसे पहले मैंने ये बो बनाई और उसके बाद देखो मैंने ये शूज भी बनाए थे क्योंकि देखो अभी ये शूज से हम क्या बोलते हैं मैग्मा ब्लॉक पास आसानी से चल सकते हैं, इसमें फ्रॉस्ट वॉकर 2 लगा इसलिए, वरना हमको ऐसे क्या बोलते क्राउच कर करके सारे मैग्मा ब्लॉक प्लेस करने पड़ते हैं और बो तो आपको पता होगा फार्म को एक्टिवेट करने के लिए बो चाहिए हमको। और देखो नीचे कुछ कलेक्शन सिस्टम मैंने इस तरह से रखा है और आपको शायद से याद हो या कलेक्शन सिस्टम अब याद हो तो आप कमेंट करके बताना, पूरा खतरनाक तरीके से मैंने बनाया है। और अभी मैं यहाँ पे एफके करता हूँ, अभी आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। ओके फाइनली अभी देखो 600 लेवल हो चुके हैं यहाँ पे और देखो इस फार्म काफी अच्छा काम कर रहा है, काफी अच्छे अमाउंट में एक्सपी दे रहा है। और अभी देखो ये नेदर में भी ज़ॉम्बी आ गए, अभी कहाँ से आए पता नहीं अभी। ओके अभी वापस से चलते हैं एफके करने के लिए और यहाँ पे हमारे हो चुके 700 लेवल और उसके बाद हमारे 800 भी लेवल हो चुके हैं यहाँ पे। ओके फाइनली अभी देखो 900 लेवल हो चुके हैं, अभी सिर्फ 100 लेवल ही बाकी है, 197 ही बाकी है अभी तो सिर्फ। और ऊपर से देखो अभी मैंने थोड़ा यहाँ से क्लोज कर दिया है क्योंकि देखो यहाँ से मैग्मा ब्लॉक जंप करके अंदर आ जाते हैं और एक बार तो देखो मैं बाल बाल बचा, ऑलमोस्ट मैं मरी जाने वाला था इसमें। ओके देखो अभी मैं गोल्ड तो जरा भी कलेक्ट नहीं किया है और ऐसे ही मैंने क्या बोलता हूँ पूरी चेस्ट भर गई होगी, अभी मैंने एक्स्ट्रा तो कलेक्ट नहीं किया, बाकी को देखो ये चल गए होगा यहाँ पे इसमें क्या बोलता इसका गोल्ड कम जो काम भी नहीं था अभी तो कुछ। मैं क्या बोल ओवरनाइट पूरे एफके करता था और रात को जाग के तो अभी गोल्ड तो क्या बोलता उसको नहीं कर सकता, इसलिए अभी मैंने कुछ किया नहीं गोल्ड के साथ। ओके भाई ये लास्ट 100 लेवल कलेक्ट करता उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूँ, तब तक आप टाइम लेस को एंजॉय कीजिए। और फाइनली हमारा 1000 एक्सपी कंप्लीट हो चुका है, अभी आप देख सकते हो। ओके लिटरली देखो मैंने जी क्या बोलते हैं 900 से 1000 लेवल किए उसमें मुझे 7 घंटे लग चुके थे, उसका मैंने क्या बोलता हूँ पूरा रिकॉर्डिंग किया था। और नीचे एरामी कहाँ से आता मुझे भी अभी तक नहीं पता चल रहा है, अभी क्या बोलते इस वर्ल्ड में एक ऐसा स्पॉन हो सकते हैं यहाँ पे, देखो एक नहीं 4-5 एक साथ है। ओके गाइस आज के वीडियो में आपके वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।